सो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। और आप देख रहे हो टेक अजफर। तो यार जैसे आप फोटोज़ में एस्थेटिक लुक जो देना होता है, एस्थेटिक लुक जो है वो काफ़ी लोग नहीं दे पाते हैं और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा अच्छा दे पाते हैं। जैसे आपने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देखे होंगे एस्थेटिक लुक के बारे में, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कि एस्थेटिक ग्लिच जो दिया जाता है। पहले फोटो को एस्थेटिक तो बना लिया जाता है, लेकिन जब तक उसमें ग्लिच नहीं आता तो ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लगती। फोटो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप उसमें एक एस्थेटिक ग्लिच अगर दे दो, जैसे फोटो थोड़ी, अब मैं जैसे आपको सैंपल्स आ रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने थंबनेल में भी सैंपल्स दिए हुए कि किस टाइप का एस्थेटिक ग्लिच आता है, तो वो आपको मैं बताऊंगा कैसे दिया जाता है एस्थेटिक ग्लिच और एस्थेटिक फोटो एडिट के कैसे की जा सकती है। और अगर जो मैं मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो आप किसी भी पिक्चर को अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अगर कोई भी फोटो ले लो, लेकिन उसके एक्सपोजर वगैरह कम ज़्यादा आप कर सकते हो। और कर्व सबसे ज़्यादा अहम होता है इसमें, कर्व तो कर्व आपको बिल्कुल मेरे टाइप का करना है। अगर जैसे आपकी पिक्चर जैसे आपको अच्छा लगे आपको उस टाइप का करना है। पहले फोटो को हम एस्थेटिक करेंगे, उसके बाद एक और ऐप के साथ हम लोग उसमें ग्लिच डालेंगे, और फिर ग्लिच डालने के बाद हम उसका जो ग्लिच वाले जो ऐप है उसमें वाटरमार्क आते हैं। तो मैं आपको वाटरमार्क हटाना भी बताऊंगा कि वाटरमार्क कैसे हटाना है एक और ऐप की मदद से। और वो एक और ऐप जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। जैसे आपको कोई भी चीज़ रिमूव करनी है तो आप वो इजीली रिमूव कर सकते हो। तो यार आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, तो यार वीडियो को फुल देखना और आपको सारे ऐप्स के बारे में पता चल जाएगा, और सारे जितने भी ऐप्स हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। तो फिर चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार अभी हम लोग आ चुके हैं डायरेक्टली अपनी मेन स्क्रीन पर, और हमें सिंपल सबसे पहले करनी है फोटो एक्सपोर्ट लाइट रूम के अंदर। तो मैंने गैलरी में पहले से ये फोटो खोली है, मैं इसको खोलता हूँ गैलरी को, और देखिए हमें इस वाली फोटो में एस्थेटिक लुक देना है। चार पिक्चर आप ये वाली जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी फोटो में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप अपनी तरह जैसे कर्व वगैरह उसके सेट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ से सिंपली इसको लाइट रूम में ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद देखिए अब ये लाइट रूम में ऐड हो चुकी होगी। मैं सिंपली अपना लाइट रूम खोलता हूँ, और अगर आपको लाइट रूम के और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किस टाइप की वीडियोस और बनाऊँ। तो देखिए मैंने बहुत सारी फोटोज़ में और भी एस्थेटिक लुक दिया था और ग्लिच लुक भी दिया था। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट सबसे पहले आपने चले जाना है लाइट्स के अंदर। लाइट्स के अंदर देखिए इसका एक्सपोजर काफ़ी पहले से ही ज़्यादा है इसमें, क्योंकि जो सनलाइट आ रही है, तो आपने इसका एक्सपोजर हल्का सा कर देना है, कम कंट्रास्ट को भी कर देना है, कम हाईलाइट्स को भी कर देना है, कम और शेडोज़ को कर देना है बहुत ज़्यादा कम। उसके बाद वाइट्स को बिल्कुल हम इसके कम कर देंगे, ब्लैक्स को भी कर देंगे हम कम। तो देखिए फोटो पहले कैसी थी और अब कैसी, थोड़ी डार्क लुक इसमें आ चुकी है। उसके बाद आपने सिंपली कलर में चल जाना, थोड़ा इसको ब्लू स्टोन हमने देनी है, तो हम इसके में हल्का सा ब्लू स्टोन दे देंगे, इतना सही है कि हम इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, इसको टैन कर देते हैं। उसके बाद इसकी वाइब्रेंस को हम करेंगे कम, क्योंकि इसमें कलर्स हमें नहीं, बिल्कुल कलर्स हम इसको फीके कर देने, क्योंकि वाइब्रेंस कलर वापस लाते हैं, लेकिन हमें कलर वापस नहीं लाने, इसके कलर थोड़े फीके कर देने। तो हम इसकी सैचुरेशन को हल्का सा कम कर देंगे। उसके बाद जाएंगे मिक्स में, और मिक्स में इसकी ह्यू को कर देंगे कम, और इसकी ल्यूमिनस को भी कर देंगे कम, सैचुरेशन को भी कर देंगे कम। उसके बाद ऑरेंज जो है हम इसकी ह्यू को हल्का सा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को भी बढ़ाएंगे और ल्यूमिनस को भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके बाद येलो जो है, येलो की हम ह्यू को कम करेंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, सैचुरेशन को हम कुछ नहीं करेंगे, इन सबकी ह्यू सैचुरेशन जो आगे वाले इन सबके कम करते जाएंगे। क्योंकि फोटोज़ में देखिए ब्लू स्काई वगैरह कलर नहीं है, लेकिन फिर भी फोटो में इससे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इफेक्ट बन जाता है। इनके सबके हम ह्यू वगैरह को सब कुछ कम कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद सिंपली हमें यहाँ से चले जाना है, फिर आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाके सिंपली इसकी क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा देना है। ये बहुत ज़्यादा हो गई, हम इसकी क्लैरिटी को थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा सा इसके बाद बढ़ा देंगे। विग्नेट को हम इसके हल्का सा कम कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसके जाएंगे ग्रेन अमाउंट, ग्रेन अमाउंट हम हल्का सा बढ़ा देंगे ये। और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे सिंपली शार्पनिंग में, यहाँ पे हम इसकी शार्पनिंग को बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर फोटो शार्प होगी तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा लुक आएगा। ये बहुत ज़्यादा शार्प हो गई, इतनी सही है। उसके बाद हम इसकी नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे। नॉइज रिडक्शन बढ़ाने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली जाना है, और यहाँ पर जाना है स्प्लिट टोन में। स्प्लिट टोन में मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमें इसकी थोड़ी ब्लू स्टोन देनी है, तो हम यहाँ से सिंपली यहाँ पर जाएंगे और उसमें हल्का सा एक ब्लू सा लुक दे देंगे। ये देखिए हल्का सी देख के यहाँ से बढ़ाएंगे, उसके बैलेंस को हल्का सा हम ये बढ़ा देते हैं। देखिए तो फोटो पहले कैसी थी मैं आपको दिखा देता हूँ। फोटो पहले कुछ ऐसी थी और अब कुछ इस टाइप की बन चुकी है, ब्लू स्टोन में आ चुकी है फोटो। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ से इसके ऐसे करके यहाँ पर एक ये बना लेना है डार्क टाइप का। यहाँ पर आप एक हल्का सा लुक दे दो डार्क, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है इसके कर्व में। यहाँ पर आप जब लाइट्स में जाओगे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है कर्व का, आपने इसका जो वाइट वाला कर्व है इसको देखिए हल्का सा, आपने अपने हिसाब से करना है इसको, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से करोगे तो एक ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। आपकी फ़ोटो उनकी अलग तरह की होगी, मेरी फ़ोटो अलग तरह की है, देखिए कुछ इस तरह। उसके बाद हमें इसकी कर्व को हल्का सा ऐसे करते हैं, थोड़ी डार्क टोन में लाना है। उसके बाद इसकी कर्व को थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, थोड़ा हम ऐसे इस वाली जो कर देखिए जो कर इसको हम हल्का से इस टाइप के कर ऐसे करेंगे, और इस वाली को हल्का से देखिए ऐसे करते एस्थेटिक लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया। उसके बाद हम यहाँ से सिंपली कर देंगे डन। डन करने के बाद देखिए फोटो पहले कुछ ऐसी थी और अब फोटो कुछ इस टाइप की बन चुकी है। और फिर सिंपली आपने यहाँ से शेयर पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक कर लेना है।
देखें फोटो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको सिंपली एक ऐप डाउनलोड में बताता हूँ कि आपको ऐप एक डाउनलोड कर लेना है। देखिए प्ले स्टोर खोल के सिंपली आपको प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर देखें ग्लिच इफेक्ट लिखना है। देखें जैसे ही ग्लिच इफेक्ट ये वाला मैंने सर्च किया तो सबसे ऊपर पहले नंबर पे ही मुझे ये वाला ऐप शो हो गया। ये वाला ऐप के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी इस वीडियो में लिंक ऐप डाउनलोड है मेरे पास उन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपने सिंपली गैलरी खोलनी है अपनी। जैसे मैं अभी ये सिंपली यहाँ से गैलरी में चला जाता हूँ। अब जो फोटो हमने लाइव हमने सेव की थी डिवाइस के अंदर उसको हमने सिंपली यहाँ से शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ से चले जाना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, मैं बैक हो गया। शेयर पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही एंड पर जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा ये वाला ऐप। ये वाला ऐप पर आपने एडिट पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखें ग्लिच इफेक्ट मिल जाते हैं। पहले फोटो कुछ इस टाइप की थी लेकिन यहाँ पर देखिए इसका वाटरमार्क आता है। वाटरमार्क भी मैं आपको हटाने का तरीका बताऊँगा इसका। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और देखिए इसमें ये हल्का से ये वाला लुक दे देना है। आपको देखें यहाँ से बहुत सारे ग्लिच इफेक्ट मिलते हैं लेकिन जो है आप जो आपकी फ़ोटो के साथ सूट करे वही आपने ग्लिच इफेक्ट देना है। ऐसे नहीं कि आप देखो आप फोटो को इस टाइप का बना दो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी या इस टाइप का बना दो। तो आपने सिंपली यहाँ से या तो RGB वाले पर आप करना। देखें ये वाला बहुत एक अच्छा लुक देता है। बिल्कुल आपने हल्का सा बढ़ाना है 1, 2 या 3 उसके बाद। या फिर आपने ये वाला ग्लिच इफेक्ट भी अगर ग्लिच इफेक्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता या फिर ये वाला ये देखें ये वाला भी अगर आप हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और एक और भी मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सा कर सकते हैं। एक ये बैड टीवी टू जो है आप अगर हल्का सा देखें इसमें ये वाला भी बहुत अच्छा लुक देता है। लेकिन अभी इस वाली वीडियो में हम ये यूज़ करने वाले हैं RGB वाला। हम बिल्कुल हल्का सा इसको बढ़ा देते हैं 3 कर लेते हैं। और देखिए फोटो पहले कैसी थी और अब कैसी है। देखिए पहले फोटो कुछ इस टाइप की थी और अब फोटो कुछ इस टाइप की बन चुकी है। आपने ज़्यादा ऐसे अगर आप इफेक्ट ये वाला देंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए फिर फोटो ख़राब हो जाएगी ज़्यादा ग्लिच इफेक्ट, क्योंकि आपने एस्थेटिक फोटोज़ में देखा होगा इतना ज़्यादा ग्लिच नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा ग्लिच होता है। फिर आपने सिंपली यहाँ से कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अगर आप वाटरमार्क पर रिमूव पर क्लिक करोगे तो आपको पे करना पड़ता है। तो आपको पे नहीं करना, अपने वाला जो ऐप है टच टू टच इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या आप क्रोम पर सिंपली टच टू टच ऐप फ्री डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे पेड ऐप होता है लेकिन ये पेड नहीं मिलेगा आपको अगर आप क्रोम या गूगल से डाउनलोड करोगे कहीं से भी। आपने यहाँ पर सिंपली एक फोटो वाली एक्सपोर्ट कर लेनी है जो आपने जिसमें ग्लिच इफेक्ट दिया था। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ऑब्जेक्ट रिमूवल पे क्लिक करके इसको थोड़ा जूम कर लेना है फोटो को। और जूम करने के बाद आपने ऐसे करके गो पर क्लिक कर देना है सिंपली। तो देखिए वाला ये वाटरमार्क जा चुका है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से करना है क्लिक इस पर और सेव इज कॉपी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव इज कॉपी पर क्लिक करोगे आपने देखे दोबारा मैं आपको गैलरी खोल के दिखा देता हूँ कि पहले फोटो किस टाइप की थी और अब फोटो किस टाइप की बन चुकी है। देखिए फोटो पहले देखे ये वाली इस टाइप देखें यहाँ पर वाटरमार्क आया था। पहले फोटो कुछ इस टाइप की थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और देखें वो वाली फोटो भी बल्कि अच्छी लग रही थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन जो आपने जब ग्लिच इफेक्ट दिया तो बिल्कुल एस्थेटिक लुक में आ चुकी है और फोटो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। तो सिंपली अब हम चलते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। तीनों ऐप्स आपको बताया कि किस तरीके से करना है। इन तीनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इन तीनों ऐप्स की। और जो लाइट रूम का ये प्रीमियम वाला वर्जन है तो आपको ये जो है फ्री में नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको इसका फ्री का लिंक मेरी जो पुरानी वाली वीडियो पिछली वाली वीडियो उसमें इसका लिंक है। आपको आई कार्ड पर वाली बटन वो वीडियो दिख रही होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ से जाके ईजिली उस वाले ऐप को डाउनलोड कर सकते हो लाइट रूम को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप यार देखो अपनी फोटोज़ पर भी जो आपकी अपनी क्लिक हुई भी फोटोज़ होती है जैसे आपकी खुद की फोटो है आप उस पर भी वाला इफेक्ट ज़रूर ट्राई करना तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लुक देगा। और जैसे अगर आपने इंडोर या आउटडोर कोई भी फोटो शूट करोगे तो उसका एक्सपोजर का थोड़ा इंडोर में थोड़ी कम लाइटिंग होती है, आउटडोर में थोड़ी ज़्यादा लाइटिंग होती है। तो आप एक्सपोजर को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, कर्व को अपनी मर्जी से। जैसे मैं आपको सारी सेटिंग्स बता दी, आप अपनी फोटो पर जो शूट करें आप वैसे ही कर सकते हो। और ग्लिच इफेक्ट का तो ऐप मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ कमेंट करना। और आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कैसी वीडियोस और बनाऊं, लाइट रूम पर बनाऊं किस टाइप की या किस टाइप की मैं आपको एडिटिंग बताऊं। यार सिंपली आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो। और सब्सक्राइब तो यार मस्त है। और भाई को यार दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।